हाँ पढ़ना तो था, वो काम करना तो था, बट हुआ क्या ना, हमारी जो मोटिवेशन थी वो खत्म हो गई। कुछ दिन तो भैया मोटिवेटेड रहते हैं, उसके बाद सारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। ये जो बार बार तुम डीमोटिवेटेड हो रहे हो ना, ये पता है क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम्हें पावर ऑफ लोकस का कॉन्सेप्ट नहीं पता। अगर तुम समझ लोगे ना कि पावर ऑफ लोकस होता क्या है, तो जो तुम बार बार डीमोटिवेटेड होते हो ना, ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। फिर तुम हर रोज 24 घंटे मोटिवेटेड रह सकते हो। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, मुझे पता है ये प्रॉब्लम तो हर एक स्टूडेंट फेस करता है। कुछ समय जब तुम एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो तुम्हारे अंदर एक बहुत ऊर्जा आती है, एक एनर्जी आती है, एक फायर आती है, पढ़ने की फायर या फिर किसी काम को करने की फायर, कोई चीज को अचीव करने की फायर। तुम फिर उसके बाद एक दो दिन मेहनत से पढ़ाई तो करते हो, पर उसके बाद दो से तीन दिन बाद वो जो मोटिवेशन है, वो जो एनर्जी है, वो खत्म हो जाती है। अरे तुम्हारी कहानी नहीं है ये, हर एक स्टूडेंट की कहानी है। हर एक स्टूडेंट दो से तीन दिन बाद फिर से डीमोटिवेटेड हो जाता है। और ये पता है क्यों होता है? क्योंकि तुम्हें किसी ने पावर ऑफ लोकस का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया। बट आज मैं समझा देता हूँ, वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके अंदर दो स्टूडेंट्स को लाया गया। दोनों स्टूडेंट्स का जो IQ था, ब्रेन लेवल था, सब कुछ सेम था। उन दोनों स्टूडेंट्स का एक टेस्ट लिया गया और एक स्टूडेंट के पास टीचर गया और उन टीचर ने ये बोला कि सुन, तेरे मार्क्स ना बहुत अच्छे आए हैं। और तेरे मार्क्स पता है क्यों अच्छे आए हैं? क्योंकि जो तेरी ब्रेन पावर है, जो तेरी मेमोरी कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा है। जबकि दूसरे स्टूडेंट के पास वो गए और उससे उन्होंने ये बोला, यार सुन, तेरे भी मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, बट तेरे मार्क्स अच्छे आए हैं तेरी खुद की मेहनत की वजह से, तेरे हार्डवर्क की वजह से। ठीक है, तो उन्होंने करा क्या, एक स्टूडेंट को ये बोला कि तेरी ब्रेन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक स्टूडेंट को ये बोला कि यार तेरी मेहनत की वजह से तू इतना अच्छा स्कोर कर पा रहा है। उसके बाद क्या हुआ ना कि इन स्टूडेंट्स के टेस्ट रेगुलरली लिए गए एक साल तक, और एक साल बाद जो रिपोर्ट आई उसने सबको शॉक कर दिया। ये जो स्टूडेंट था ना जिसको ये बोला गया था कि भाई तेरे जो मार्क्स आ रहे हैं वो तेरी ब्रेन पावर की वजह से आ रहे हैं, उसका स्कोर या तो सेम रहा या फिर गिरता गया। और जबकि वो जो स्टूडेंट था ना जिसको ये बोला गया था तेरा स्कोर तेरे हार्डवर्क की वजह से आ रहा है, उसका स्कोर हर टेस्ट में इंक्रीज होता गया। सोच पा रहे हो ये हुआ क्यों होगा कि एक स्टूडेंट जिसको ये बोला गया कि यार तेरे हार्डवर्क की वजह से तेरे मार्क्स आ रहे हैं, उसका मार्क्स इंक्रीज होता गया, जबकि जिस स्टूडेंट को ये बोला गया कि यार तेरे तो मार्क्स तेरे ब्रेन पावर की वजह से आ रहे हैं, उसका मार्क्स डिक्रीज होता गया। ये हुआ क्यों? ये हुआ पावर ऑफ लोकस की वजह से। वो जो स्टूडेंट था ना जिसको ये बोला गया था कि यार तू हार्डवर्क करता है, उसका जो पावर थी वो कहां मिली उसको? अंदर, खुद के अंदर। उसको ये बिलीव दिला दिया गया कि भाई सुन, तेरे जो मार्क्स आ रहे हैं वो तेरी खुद की वजह से आ रहे हैं, और उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये फीड हो गया कि अगर मैं और मेहनत करूंगा तो इस मार्क्स को इंक्रीज कर सकता हूं, क्योंकि है तो मेरी मेहनत ना, पावर तो मेरे अंदर है ना, एनर्जी तो मेरे अंदर है ना। जबकि वो जो दूसरा स्टूडेंट था उसके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर ये फीड हो गया कि यार मेरे जो मार्क्स है वो मेरी मेहनत से नहीं आ रहे, वो तो मेरे ब्रेन पावर की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि मैं बचपन से जो मुझे ब्रेन पावर मिली हुई है उससे आ रहे हैं। तो उसका जो पावर का सेंटर है, क्या वो उसके अंदर है? नहीं, उसके बाहर। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये फीड हो चुका है कि यार मेरे मार्क्स मेरी वजह से नहीं आ रहे, मेरी मेहनत की वजह से नहीं आ रहे, मेरे मार्क्स तो आ रहे हैं मेरी ब्रेन पावर की वजह से। तो अगर मैं पढ़ाई करूं या फिर ना करूं, उससे फर्क भी क्या पड़ता है, मार्क्स तो मेरे ब्रेन पावर से ही आएंगे। मतलब बहुत सिंपल सी चीज है, जिस स्टूडेंट को ये बोला गया ना कि तुम्हारा हार्ड वर्क है, उस स्टूडेंट के पास मोटिवेशन थी काम करने की। क्यों? क्योंकि उसे पता था अगर मैं काम करूंगा तो मैं मार्क्स अच्छे ला दूंगा। बट जिस स्टूडेंट को यही नहीं पता था कि वो अपनी मेहनत से मार्क्स ला सकता है, क्या वो मेहनत करेगा, क्या वो हार्डवर्क करेगा, क्या वो मोटिवेटेड रहेगा? नहीं, वो हमेशा डीमोटिवेटेड रहेगा, जबकि दूसरा स्टूडेंट हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। इसी चीज को मैं तुम्हारे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आज के समय पर तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और मुझे सच बताना क्या तुम इस गलती को करते हो या नहीं करते हो। और आज मैं चाहता हूँ कि यार हर एक स्टूडेंट रियलिटी लिखे कमेंट सेक्शन के अंदर, एक भी स्टूडेंट झूठ नहीं बोलेगा। रियलिटी बताना, क्या ये तुम करते हो, यस या फिर नो? बहुत बार ऐसा होता है ना, जब तुम एक टेस्ट देके आते हो, चाहे तुम्हारे कोचिंग का टेस्ट हो, स्कूल का टेस्ट हो, या फिर तुम्हारा कोई भी टेस्ट हो, उस टेस्ट के अंदर जब तुम्हारा स्कोर बहुत कम आता है, तो कितनी बार तुम अपने पेरेंट्स से या फिर खुद से ये बोलते हो ना कि मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ पाया क्योंकि मेरे दोस्त बहुत खराब है, मेरे ट्यूशन टीचर बहुत खराब है, वो ना मेरे फिजिक्स के टीचर जो है ना कोचिंग के बहुत बहुत बेकार है, मेरे स्कूल के टीचर बहुत बेकार हैं। अच्छा हुआ क्या था ना कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, हुआ क्या था ना कि मेरे वो चाचा की शादी हो गई थी बीच में, तो ना मुझे वहां पर अपने 7 दिन खराब करने पड़े थे। अच्छा हुआ क्या था ना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। कितनी बार करते तुम हर बार? अगर करते हो आज रियलिटी से कमेंट में यस लिख देना, और अगर नहीं करते तो रियलिटी में आज कमेंट में नो लिख देना। ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हारा वो जो सवाल है ना कि भैया हम डीमोटिवेटेड क्यों हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाते हो क्योंकि तुम अपनी गलतियों को मानते नहीं हो। जब भी तुम कोई मिस्टेक करते हो, तुम्हें पता है
कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम पूरे साल भर प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे, तुम इंस्टा रील पे टाइम खराब कर रहे थे, तुम यूट्यूब शॉर्ट्स पे टाइम खराब कर रहे थे, बट जब रिजल्ट आता है तो तुम जो अपनी गलतियां हैं वो इधर उधर ट्रांसफर करने लगते हो, यार मेरे मार्क्स अच्छे मेरे दोस्त की वजह से नहीं आए, अच्छा वो मेरे ट्यूशन की वजह से नहीं आए। जब तुमने मिस्टेक्स को ट्रांसफर करा तो वो जो पावर थी तुम्हारे अंदर वो ट्रांसफर हो गई इधर 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 इधर। अब तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर एक मैसेज चला गया कि भाई मेरी गलती नहीं है, मेरे जो मार्क्स कम आए हैं ना वो मेरी गलती की वजह से नहीं आए हैं, मेरे मार्क्स तो उसकी गलती की वजह से आए, उसकी गलती की वजह से आए हैं। तो क्या अब आपका ब्रेन मोटिवेटेड रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उसे तो पता है ना कि यार मेरी गलती तो है ही नहीं, मेरी मिस्टेक तो है ही नहीं, है ना। आपका ब्रेन तो हमेशा यही सोचेगा ना कि यार मेरे हाथ में तो है ही नहीं, मेरे मार्क्स तो इसलिए अच्छे नहीं आए क्योंकि उसकी गलती थी, इसकी गलती थी। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप खुद से ये बोलोगे ना कि यार मार्क्स अच्छे नहीं आए, मेरी मिस्टेक है, ठीक है यार आज मैंने अपना समय खराब करा, मेरी मिस्टेक है, गलतियां मानोगे, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर एक सिग्नल जाएगा और आपका ब्रेन समझेगा कि यार गलती मेरी है, इसका मतलब सलूशन भी तो मुझे निकालना है, और उस वजह से आपका ब्रेन हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक तुम क्या कर रहे हो, गलती डाल रहे हो इधर उधर। ये जो तुम गलतियां डाल रहे हो ना इधर उधर, इससे हो क्या रहा है ना, जो तुम्हारी पावर है ना, जो तुम्हारी पावर है वो तुम ट्रांसफर कर रहे हो इधर उधर, और उससे आपके दिमाग के ऊपर वो पावर जा ही नहीं पा रही है, और आपका दिमाग कह रहा है यार मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरी तो मिस्टेक ही नहीं है। तो फिर आपका दिमाग आपको पढ़ने के लिए मजबूर कैसे कर पाएगा? आपका दिमाग तो कहेगा ना जब तेरी गलती नहीं है तो तू पढ़ाई कर क्यों रहा है, छोड़ ना, जब मार्क्स उसकी वजह से तेरे कम आ रहे हैं तो पढ़ने की जरूरत ही क्या। बट ट्राई करके देखना, रियलिटी बता रहा हूँ, ये बहुत साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। अगर तुमने आज से हर टेस्ट के बाद खुद से ये बोलना स्टार्ट कर दिया ना, शीशे के सामने खड़े हो जाना, बोलना यार मेरी गलती है, मुझे पता है मैंने अपना समय खराब करा, मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे पता है और इसको मैं इंप्रूव करूंगा, तो आपके ब्रेन की तरफ सिग्नल जाएगा यार मेरी गलती है, और वो ब्रेन मोटिवेटेड रहेगा। ये कॉन्सेप्ट मैं अपने कई स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ जो कि अपनी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जर्नी होती है उसके अंदर बिल्कुल भटक चुके थे, जब उन्होंने इस ट्रिक को अपनाया ना, खुद की गलतियां मानना और खुद से बोलना कि यार ये मेरी गलती है, तो उनके ब्रेन के अंदर अचानक से अलर्ट सिग्नल गया और उन्होंने चार चार महीने पढ़ के, केवल चार महीने पढ़ के भी एग्जाम को क्रैक कराए। तो आई होप कि तुम्हें पावर ऑफ लोकस का तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं ना कि भैया हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो इस चीज को भी ना मैं एक छोटी सी स्टोरी से समझाता हूँ, बड़ी फेमस स्टोरी है। संदीप महेश्वरी सर जो है उन्होंने भी अपने एक सेमिनार के अंदर इस स्टोरी के बारे में बताया था, मैं बताता हूँ। एक बार क्या होता है ना, एक 10th क्लास की लड़की अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा को बताती है, यार पापा मेरी जिंदगी में ना बहुत प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो उसके पापा ना बोलते हैं कि अच्छा बेटा चल मेरे साथ किचन में चल, जो रसोई होती है उसके अंदर ले जाते हैं, और अपनी बेटी से बोलते हैं कि अच्छा एक काम कर, जो गैस है, जो चूल्हा है, उसके ऊपर पानी गर्म कर दे, पानी को बॉयल कर दे। तो उनकी जो बेटी है वो कहती है ठीक है कर देती हूँ, बट ये क्या करा रहे हो पापा। तो फिर वो गर्म कर देती है। अब उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि अब एक काम कर, आलू ले, अंडा ले और कॉफी ले, आलू अंडा कॉफी को ले आती है, ठीक है। अब कहते हैं कि देख कि ये जो आलू है ना इसको पानी के अंदर डाल, वो डाल देती है। और फिर उसके पापा बोलते हैं जब ये आलू बाहर था तो आलू कितना स्ट्रांग था, कितना मजबूत था, बट जब ये पानी के अंदर गया तो थोड़ी देर बाद आलू बॉइल होने के बाद कितना सॉफ्ट हो जाता है, आपने देखा होगा। तो उसके पापा ने बताया इसी आलू की तरह कुछ लोग होते हैं जो कि जैसी उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम होती है ना वो बिखर जाते हैं, वो टूट जाते हैं। जैसे कि आलू पहले तो बहुत सख्त था बट जैसी प्रॉब्लम आई, जैसी गर्म पानी आया तो क्या हुआ, सॉफ्ट हो गया। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी जिंदगी के अंदर जैसी प्रॉब्लम आती है उससे डर जाते हैं और बिखर जाते हैं, जबकि कुछ लोग अंडे की तरह होते हैं। अंडे का आपने देखा होगा, अंडे को जब आप गर्म करते हो तो अंडा अंदर से और मजबूत हो जाता है, अगर आपने देखा हो अंडे को बॉईल करने के बाद अंडा अंदर से बहुत मजबूत हो जाता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जब उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के सामने वो बिल्कुल निडर होकर खड़े हो जाते हैं, जबकि तीसरे लोग कॉफी की तरह होते हैं। जब गर्म पानी के अंदर तुम कॉफी बीन्स को डालोगे या फिर कॉफी पाउडर को डालोगे तो कॉफी पानी के अंदर मिल जाती है और उस पानी को ही बदल देती है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जब उनकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को वो प्रॉब्लम की तरह देखती नहीं है, उस चैलेंजेस को वो चैलेंजेस की तरह देखते नहीं है, उस प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी के अंदर लाते हैं और उससे अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बना लेते हैं, और अच्छा बना लेते हैं। जैसे कि एक पानी को जब उसके अंदर कॉफी मिलाई गई तो कॉफी ने उस पानी को बदल दिया और उस पानी को बहुत ही ज्यादा अच्छा बना दिया। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यार, ये जो तुम डरते हो ना प्रॉब्लम से कि प्रॉब्लम आ रही है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी हेल्थ कंडीशन खराब है, मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, ये तुम डरते हो ना प्रॉब्लम से, डरो मत, डरो मत,
कॉफी की तरह बनो। प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम को लो, ठीक है। क्योंकि एक चीज को याद रखना, अगर तुम किसी भी सक्सेसफुल आदमी, कोई भी हो, इंडिया का या फिर किसी भी देश का या फिर पूरे वर्ल्ड का, फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी जाकर बात कर लेना जो कि बहुत बड़े लेवल पे बैठा हो, और उससे पूछ लेना क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आई। अगर वो बोले नहीं आई, तो इसका मतलब वो झूठ कह रहा है, वो झूठ कह रहा है। क्योंकि हर एक इंसान जो कि अपनी जिंदगी में कुछ अचीव कर पाता है ना, उसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इस लाइन को अपने दिमाग के अंदर डाल लो, जितना ज्यादा स्ट्रगल उतनी ज्यादा सक्सेस। सिंपल सिंपल फिनोमिना है। अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर बहुत समस्या आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको गाओ मत, बोलो मत, अरे यार पता है मेरे साथ ये हो गया, अच्छा यार मेरे साथ ये हो गया, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, मजाक ही उड़ाएंगे तुम्हारा, अच्छा पता है इसके साथ ऐसा हो गया, पता है उसके साथ ऐसा हो गया। गाओ मत, शांत रहो और उन प्रॉब्लम्स को फेस करो। बोलो ठीक है यार, प्रॉब्लम है, आई है तो कुछ कर लेंगे यार, क्या बड़ी बात है, प्रॉब्लम ही तो है, मार्क्स ही तो कम आए हैं, एक टेस्ट ही तो खराब हुआ है, दूसरा कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है। कॉफी की तरह बनना है हमें, जैसे कॉफी ने उस पानी को बदल दिया, वैसे ही जब प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आए तो हमारी जिंदगी बदल जाए। तो इन प्रॉब्लम से डरना बंद कर दो सबसे पहले, तो डरो मत, आ रही है तो आने दो, जितनी प्रॉब्लम आएंगी उतना ज्यादा सक्सेस मिलेगा। इस बात को याद रखना, वो जो लोग हैं ना जो कि प्रॉब्लम को फेस करने से डरते हैं, जो कि कहते हैं यार मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, वो डरपोक रहेंगे और वो जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है ना, तो डरने की जरूरत तो तुम्हें है, क्योंकि अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, इसका मतलब तुम जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं रहे हो। क्योंकि जो उखाड़ेगा ना जिंदगी में, उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, जिंदगी दिखाएगी उसको यार, बार बार प्रॉब्लम दिखाएगी। किसकी प्रॉब्लम्स नहीं आती जिंदगी में, मेरे नहीं है, तो क्या करा मैंने, क्या उन प्रॉब्लम्स को छोड़ दिया, नहीं, उनसे फाइट करा, उन पे आगे बढ़ा मैं उन प्रॉब्लम्स को, राइट। तो तुम्हें भी करना है यार। आई होप कि यार इस वीडियो को तुम ऐसा मोटिवेशनल वीडियो नहीं लोगे, ये एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया पावर ऑफ लोकस, कैसे तुम हर रोज विदाउट मोटिवेशन भी मोटिवेटेड रह सकते हो। वो जो डीमोटिवेशन वाली प्रॉब्लम है वही आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी, अगर आप इस पावर ऑफ लोकस के कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो। और लास्ट लाइन यही कहूंगा, जब भी गिरोगे उठना है, जब भी गिरोगे उठना है, वापस उठना है, तीसरी बार उठना है, चौथी बार उठना है, पर रुकना नहीं है। जब भी हारोगे शीशे के सामने खड़े होगे और बोलोगे मेरी गलती थी, मेरी वजह से नहीं हुआ, बट मैं इसे इंप्रूव करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, या मैं रुकूंगी नहीं, मेरी गलती थी, ठीक है यार नहीं हो पाया, मेरी गलती है, किसी और की गलती नहीं है, मेरी गलती है, मेरे से नहीं हो पाया और मैं ही इंप्रूव करूंगा, मैं ही इंप्रूव करूंगी, कोई और नहीं आकर इंप्रूव करेगा। इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। याद रखना, तुम सब एक वॉरियर हो और वॉरियर की तरह लड़ना है तुम्हें। शुक्रिया भाई।